माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बिल्कुल सेट होंगे, बिल्कुल फिट फाट होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज मैंने आपको कहा था कि मैं किड्स कलेक्शन लेके आई आऊँगी, तो मैं ईद की किड्स की कलेक्शन लेके आई हूँ, लड़कियों की फ़्रॉक की स्टाइल। सो आप ज़रूर देखें और चेक करें हम किस तरह की लगती है। एंड हाँ, अगर जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, वो फटाफट से मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, क्योंकि वहाँ पे भी अपडेट्स आती हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो, एंड डू फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज। ओके ओके, सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम फटाफट से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये कुछ आपको शर्ट्स नज़र आ रही होंगी, कि तो ये 1, 2, 3, 4 कुर्तियाँ हैं, ये 2 पीस है। सो ये किड्स कलेक्शन है सारी, एंड मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊँ, ये ऑर्डर के कपड़े हैं सारे। सो मेरा दिल हुआ कि मैं आपको दिखा दूँ और आपको आइडिया हो, क्योंकि बहुत ईजी सिंपल डिज़ाइंस है। अच्छा, पहले मैं आपको ये बेज वाला डिज़ाइन दिखाती हूँ। इसका सीन ये है कि ये पूरा फ्रॉक है, ये पूरी लॉन्ग फ्रॉक है, 5 साल की बच्ची का साइज़ है ये, और उस हिसाब से हमने बनाया, उनके 4 ऑर्डर्स थे, राइट जी, 4 ऑर्डर्स से उस हिसाब से हमने उनका शर्ट फ्रॉक बनाया। ये देखिए, इसमें हमने लेस लगाई है सीक्वेंस वाली, और ये माला उसका कॉटन लॉन का कपड़ा है ये। ये देखें, ये कपड़ा ओवरऑल कॉटन लॉन का है, बहुत ही प्यारा सॉफ्ट सा स्मूथ सा कपड़ा है। और हमने गले पे क्या किया, हमने राउंड नेक बनाया, राउंड नेक पे हमने लेस लगाई है, और यहाँ हमने ये लेस को डबल साइडेड करके लगा दिया, ताकि गोटा वर्क पूरा आ जाए। ये देखिए, 2 पैनल्स हमने, एक पैनल यहाँ डाला है और एक पैनल हमने यहाँ डाला है, जो कि बहुत ही प्यारा डिसेंट सा स्टाइलिश सा लग रहा है। और ये ओवरऑल पूरी फ्रॉक है, ये पीछे पीछे हमने लगाई है इसके दामन पे, इसके उस पे हमने दामन की घेर पे लगाई है ये गोटे वाली लेस, जो कि बहुत ही प्यारी सी, डेलिकेट सी, डिसेंट लग रही है। बच्चे ये टाइट्स के नीचे वेयर कर सकते हैं, वाइट टाइट्स हो, ब्राउन टाइट्स हो, पीस टाइट्स हो, उस पे वेयर कर सकते हैं। ओवरऑल फ्रॉक इस तरह का है। सो ये आपको नज़र आएगा, मैं आपको एक दफ़ा फिर से इसका नेक दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा बना हुआ है। और ये हमने स्लीव पे इसकी यही लेस लगाई है। सो आप बच्चों के चाहें तो इस तरह की फ्रॉक बना सकते हैं, प्लेन कपड़े पे आपने कोई भी लेस आपके पास घर में रखी हो उसको यूटिलाइज़ कर लें, या कोई बाहर से मैचिंग की लेस ले लें और बच्चों के इस तरह की फ्रॉक्स बना लें। ये देखिए, फुल लेंथ की है, 5 साल की बच्ची के हिसाब से, जिस हिसाब से उन्होंने मुझे साइज़ बताया उस हिसाब से मैंने बनाया। अगर आपकी बच्चों की हाइट ज़्यादा है तो आप लेंथ लंबी भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं इतनी छोटी बनाए। सो ये एक फ्रॉक ये है, ठीक है। अब मैं वो दूसरी दिखाने लगी हूँ, ये बेसिकली 2 पीस था। ओके, सो ये है ट्राउज़र, ठीक है, और ये है इसका शर्ट। शर्ट पे हमने क्या किया था, हमने लेसिंग लगाई थी, थोड़ा सा ये आयरन नहीं हुआ बिकॉज अब ये आयरन होगा, इसके पैक में जाएगा। सो ये देखें, ये हमने वाइट फ्लावर वाली लेस लगाई थी इस पर पूरे पे, और ये हमने पैनल्स इसके यहाँ पर बना दिए थे बॉक्स शेप में, ये इसके पैनल्स बन गए। ये गले पे इसकी लेस आ गई है, और ये स्लीव्स पे भी हमने इसकी लेस दी हुई है। सो फ्लावर वाली लेस लगाई है, बच्चों के हिसाब से थोड़ा सिंपल और डिसेंट चल रहा होता तो इस हिसाब से मैंने ये किया था। और ये हमने बैक पे फुल इसकी घेर में वाइट लेस लगा दी है। सो ओवरऑल ये है दूसरा ड्रेस, ये भी कॉटन लॉन है, सेम स्काई ब्लू उसका कलर है, बहुत ही प्यारा सा है। सो ये डिसेंट से फ्रॉक है, बैक पे कुछ नहीं हुआ, बैक पे सिर्फ हमने घेर में पूरी लेस ले ली है। सो ये था दूसरा ड्रेस। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ ये तीसरा फ्रॉक। ये मैंने थोड़ा सा इसमें मेहनत करी थी, इस पर ये किया था कि ये ऑर्गेन्जा की स्लीव्स डिफरेंट है, ये अलग से थी, ये रॉ सिल्क का कपड़ा है, कॉटन लॉन नहीं है, ठीक है। ये हमने बनाया 2 पैनल्स, यहाँ पे एक पैनल डाल दिया, यहाँ पे एक पैनल डाल दिया, और ये हमने राउंड वाला बनाया। सो ये हमने गोटा लगाया, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये हमने ऑर्गेन्जा था, स्लीव्स के लिए हमने ऑर्गेन्जा लगाया और पफ वाली स्लीव्स बनाई, ये देखें। और ये इसका अस्तरा कपड़ा है अंदर, तो ये आप इस तरह का फ्रॉक बना सकते हैं अगर आप चाहें। बहुत ही सिंपल डिसेंट सा डिज़ाइन है, कोई भी गोटा लेस लेके आप लगा सकते हैं। ये देखें कितना कोई प्यारा हसीन लग रहा है ना, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है। और ओवरऑल सिंपल फ्रॉक है, देखें रॉ सिल्क का कपड़ा, कपड़ा इज़ वेरी नाइस। आप कपड़ा देखें, कपड़े आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत ही प्यारा सॉफ्ट सा कपड़ा है। और ये सब गोटा देखें, ओवरऑल बहुत प्यारा ड्रेस लगा मुझे तो ये, ठीक है। एक ये हमारा ऑर्डर था, एक लास्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक मटेरियल था जो उन्होंने बोला था कि मुझे शर्ट पे बनवाना है, एंड वो कस्टमाइज था, सही, ये तो मैंने खुद उनको आइडियाज़ दिए हैं। सो ये कस्टमाइज था, ये इन्होंने मुझे मटेरियल का कहा था, इस तरह का मटेरियल चाहिए उन्हें, थोड़ा फॉर्मल टाइप। सो ये था, इस पर हमने ये लेस लगाई है बीट्स वाली, और ये कुर्ती बनी हुई है, फ्रॉक नहीं है, सिंपल कुर्ती है, देखें विदाउट एनी अस्तरी, सिंपल कुर्ती, वो ट्यूनिक के नीचे बच्चे वर्क वेयर करते हैं ना, तो इस तरह की कुर्ती है। और ये गले पे ये देखिए इसकी वही सीक्वेंस वाली लेस लगाई है हमने, बहुत ही प्यारा सिंपल डिसेंट सा लग रहा है। और ये मटेरियल है नेट का, ठीक है, एम्ब्रॉयडर्ड नेट है ये पूरी, सही है।
इस तरह का मटेरियल था और ये लिए सबने मैचिंग की इस पर लगाई, सिंपल और डिसेंट रखा है। बच्चों की डिज़ाइन जितनी सिंपल डिसेंट होती है उतने प्यारे लगते हैं। सो ये थी आज की डिज़ाइंस किड्स कलेक्शन की। अगर आप ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, क्योंकि अब ईद के बाद बहुत सारे नए फॉर्मल ड्रेसेस आने वाले हैं जो कि आप मिस आउट नहीं करना चाहते होंगे, आई नो। सो आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है? ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मेरे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करना है। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।